रीवा जिले के हनुमाना नगर परिषद के अंतर्गत सीधी सड़क के पास जिला प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस प्रशासन दल बल के साथ मौके पर पहुंचा और अतिक्रमण को हटाया है। जानकारी के अनुसार लंबे समय से अतिक्रमणकारी अवैध कब्जा किए हुए थे, जिससे सड़क पर लोगों का चलना दूभर हो रहा था। तो वहीं अतिक्रमण हटने के बाद यातायात पूरी तरीके से सुचारू हुआ है। हनुमाना परिषद अध्यक्ष ने कहा कि पुराने थाने से लेकर भाटी तक जाम की स्थिति बनी रहती थी और आवागमन में परेशानी होती थी। देखिए, बस स्टैंड से नहीं, पुराना थाना के सामने से हनुमान मंदिर तक जहां घनी बस्ती आगे बढ़ चुकी है, आवागमन को बाधित कर रही है पूर्ण रूप में। आवागमन को ध्यान में रखते हुए, व्यापार के विकास को ध्यान में रखते हुए साफ किया गया है जो घर के आगे बढ़ाए थे अतिक्रमण करने के उद्देश्य। देखिए, क्या है कि सिटी रोड में काफी इम्प्रूवमेंट था और नाली से लोग ऊपर आकर के चबूतरा बना लिए थे और जिससे आए दिन वहाँ की बाजार व्यवस्था डिस्टर्ब होती थी। मेन रोड है जिससे कि वहाँ का आवागमन बसें जाती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं और काफ़ी पुलिस को भी समस्या होती थी, हर समय जाम लगने की स्थिति रहती थी। 18 घंटे लगे उसके कारण ये कि ये 18 घंटे क्यों लगा रखी है, तो उनको बताया गया कि भई ये अतिक्रमण की वजह से है, मतलब अतिक्रमण काफ़ी है, उसी की वजह से एक महीने पहले सभी अतिक्रमणकारियों को सूचना पत्र जारी किए गए थे।